हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम बजाज के अरबेन मॉडल, नया वाला मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका टेस्ट राइड करने वाले हैं। तो इसकी जो प्राइस है ये 1,15,000 एक्स शोरूम है। ये विदाउट टेक पैक वाला मॉडल है, और टेक पैक वैसे आपको 1 मंथ के लिए सभी मॉडल्स में मिलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसमें कुछ कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं, आपको मोड्स अलग मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, लेकिन जो विदाउट टेक पैक होगा उसमें आपको सिर्फ इको मोड ही देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो प्राइस है ये ऑन रोड वडोदरा की जो प्राइस है ये 1,30,000 है, और इसमें आपको जो है डिस्क ब्रेक कहीं नहीं मिलेगा। जो प्रीमियम मॉडल पहले आता था उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता था। तो ये देख सकते हैं सेटअप बिल्कुल सेम है, डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, लाइट आप देखेंगे पूरी LED की लाइट यहाँ पे आपको सेटअप मिल जाता है, और चेंजेस कुछ नहीं है। इसका जो है वोल्टेज थोड़ा सा कम कर दिया चार्जिंग, तो 4 hours 50 minutes का जो है चार्जिंग टाइम लग जाता है। पहले जो था अराउंड 800 watt का ऑनबोर्ड चार्जर मिलता था, उसके वजह से जो है 3 hours 50 minutes का चार्जिंग टाइम लगता था, बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा चार्जिंग टाइम लगता है। बट कंफर्टेबल सीट है, रेंज इसकी जो है 113 किलोमीटर की है, 113 किलोमीटर की है, पहले वाली की जो थी वो 108 की थी, और यहाँ पे जो स्पीड है वो भी आपकी 73 किलोमीटर पर आर की है। तो इसको भी हम चला लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका परफॉर्मेंस है। वैसे टेक पैक वाले मॉडल में जो फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको जो है एक बार मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे जो है कीलेस एंट्री दोनों ही मॉडल्स में आपको मिलेगी, टेक पैक और विदाउट टेक पैक। की को आपको हमेशा पास में रखना है, इसमें कीलेस एंट्री मिलती है जैसा कि आपको कार में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ये वाले बटन को आप दबाएंगे तो ये जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आपको रिवर्स में करना है तो जस्ट ये वाले बटन को ब्रेक लगाना है पहले, और रिवर्स को दबाना है 3 सेकेंड के लिए, इस वाले बटन को रिवर्स को दबाए रखना है। तो ये देखिए आप रिवर्स हो गया, अब मैं इसको चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं गाड़ी पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, ये हो गया रिवर्स। और इसके बाद मुझे चेंज करना है, नॉर्मल मोड में आना है, तो जस्ट मुझे जो है ड्राइव मोड में मैं आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स को कैसे ओपन करना है, तो आप रिवर्स के नीचे जो बटन देख रहे हैं इसको आप एक बार दबाएंगे तो इससे जो ग्लव बॉक्स जिसमें आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट एड किट होती है और कुछ टूल किट दिया रहता है, तो इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसी बटन को अगर आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो इसका जो बूट स्पेस है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने के लिए मिलता है, और यहीं पर आपको जो है चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और इकोनॉमी मोड में अभी हम चला के देख लेते हैं। तो वैसे ये जो स्कूटर हैं ये प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर्स हैं, जैसे कि एथर हो गया, ओला हो गया, TVS iQube हो गया, ये प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर हैं। इसमें अगर आप एक बार ले लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ पे मुझे एक ये चीज़ का एक प्रॉब्लम है कि इसमें अगर डिस्क ब्रेक जो पहले दिया रहता था प्रीमियम मॉडल में, वैसे प्रीमियम मॉडल को पूरा आउटडेट कर दिया है अभी, और प्रीमियम मॉडल अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वाला जो मॉडल है अरबेन मॉडल यही देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको 2 वेरियंट्स टेक पैक और विदाउट टेक पैक, स्टैंडर्ड जो वेरिएंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो है एक बार हम स्पीड चेक कर लेते हैं, ये हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड, तो स्पोर्ट्स मोड में जो है स्पीड तो काफ़ी अच्छी है, जा रही है अराउंड 57 की आ रही है। रेंज ये 30 दिखा रहा है, और रेंज ड्रॉप जैसा कि आपको दूसरे स्कूटर्स में देखने के लिए मिलता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर एकदम लीनियर जो है इसका परफॉर्मेंस है। और देखिए स्पीड अप 73-74 किलोमीटर पर आर की स्पीड चले जाता है। ये सस्पेंशन अच्छे हैं, सेटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, और फुटबोर्ड स्पेस देखेंगे आप तो बिल्कुल बढ़िया मिलता है, और बैटरी का जो परसेंटेज है वो एकदम लीनियर ड्रॉप है, ऐसा नहीं कि एकदम सडन होता है जैसा कि आपको लो एंड के स्कूटर में आपको देखने के लिए मिलता है, वैसा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो ब्रेकिंग इसकी जो है डिस्क ब्रेक नहीं होने के बाद भी आप देखेंगे तो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, 60-70 किलोमीटर पर आर की स्पीड में भी इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छे से लग जाती है, देख सकते हैं आप ब्रेकिंग अच्छी है। ड्रम ब्रेक होने के बाद भी बजाज ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी बढ़िया रखी है। और ये देखिए यहाँ पर आपको जो टाइम है मिल जाता है, कौन सा मोड है वो दिखा देता है। ये इसका जो कलर है वो अलग हो गया, अभी पहले के जो प्रीमियम मॉडल आता था उसके उसमें अलग कलर था, इसमें जो है अभी ब्लूइश टाइप का कलर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो है बैटरी वार्निंग दे रहा है क्योंकि बैटरी ख़त्म हो रही है, रेंज यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है। तो हैंडलिंग अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, और गाड़ी में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, नॉइज़ नहीं है, और चलने में एकदम स्मूथ चलती है।
और इसमें जो टेक पैक होता है वो स्टैंडर्ड मॉडल में भी मिलेगा सिर्फ एक महीने के लिए, उसके बाद जो है आपको अलग से पे करना पड़ेगा 8,000 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा पे करके जो है आप टेक पैक ले सकते हो। उसमें आपको अलग टाइप के फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जियो फेंसिंग और जो है आपको नेविगेशन तो नहीं मिलता इसमें, जियो फेंसिंग हो गया, स्कूटर के अलर्ट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के अलर्ट्स हो गए, इसमें रिवर्स मोड मिल जाएगा, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स मोड, दो मोड देखने के लिए मिलेंगे। तो थोड़े ज़्यादा फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं टेक पैक के साथ, उसकी जो कीमत है 8,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। और देखिए आप गड्ढे से मैं जा रहा हूँ, बट जो गाड़ी है बिल्कुल इसमें कोई नॉइज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, तो परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड है। सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है, स्पोर्ट्स मोड में तो काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है, इकोनॉमी मोड में आप चलाएंगे तो आपको अराउंड जो है 90-100 किलोमीटर्स तक का रेंज आराम से मिल जाएगा। वैसे कंपनी क्लेम करती है 113 किलोमीटर्स तक का बोलती है, बट आपको जो है 90-100 किलोमीटर्स तक का रेंज इकोनॉमी मोड में मिल जाएगा। तो ठीक है, स्कूटर काफ़ी सही है, बैटरी जो है इसमें इनबिल्ट ही मिलती है, आप इसको डिटैच करके नहीं ले जा सकते। तो यही सब बजाज चेतक अर्बेन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक राइड रिव्यू था। तो मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही, थैंक यू।